हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानम एजुटेक में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री टैली का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, यदि जो प्रोडक्शन वाला बिजनेस है हमारा, तो प्रोडक्शन वाले बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टैली। तो आइए देखते हैं इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री बेसिकली जो हमारा बचा हुआ स्टॉक होता है, मतलब कि लेफ्ट जितना भी स्टॉक होता है वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। अब यदि आप इन्वेंट्री का हिंदी मीनिंग देखें तो इन्वेंट्री का हिंदी मीनिंग होता है सूचीबद्ध, मतलब जितना भी स्टॉक है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसको यदि आप सूचीबद्ध कर देते, प्रॉपर लाइन में अरेंज कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। अब इन्वेंट्री की जरूरत क्यों पड़ती है, यदि इन्वेंट्री की हमको बिजनेस में जरूरत क्यों है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। कि यदि आप नॉर्मली किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, अब आपने कितना सेल्स किया, कितना परचेस किया, इसकी डिटेल्स यदि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं किया, स्टॉक मैनेजमेंट नहीं किया है, तो क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है, आपको कितना सामान परचेस करना है। तो इन सब चीजों के लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेंट्री करना। इन्वेंट्री करने से आपको सभी जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी जानकारी इजी वे में मिल जाती है। सो आइए देखते हैं इन्वेंट्री बेसिकली कितने टाइप की होती है। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री को हम 3 टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है हमारा रॉ मटेरियल। फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी हमारा इन्वेंट्री में आ जाता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, मान के चलिए आपका फर्नीचर का बिजनेस है। फर्नीचर का जो बिजनेस है, इस फर्नीचर के बिजनेस में आपको क्या लगेगा, यदि आपको फर्नीचर बनाना तो इसके लिए वुड लगेगा, वुड या लकड़ी। तो वुड यदि है आपके पास तो वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो फर्स्ट इन्वेंट्री का पार्ट हो जाता है हमारा रॉ मटेरियल। सेकेंड हो जाता है ऑन वर्किंग, ऑन वर्किंग प्रोडक्ट्स। जितने भी आपके ऑन वर्किंग प्रोडक्ट्स है, मतलब मान के चलिए आप इस वुड से टेबल बना रहे हैं, इस वुड से क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। अब इस टेबल में अभी प्रिंटिंग बची हुई है, प्रिंटिंग लेफ्ट है, या सॉरी पेंटिंग लेफ्ट है। पेंटिंग क्या है, लेफ्ट है, मतलब कि पेंटिंग बची हुई है। तो पेंटिंग करने के लिए हमको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। तो ये सब किस में आ जाएंगे, ऑन वर्किंग में, मतलब किस में वर्किंग चल रही है, जिन प्रोडक्ट्स में वर्किंग चल रही है वो क्या हो जाते हैं, हमारे ऑन वर्किंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और लास्ट में जाता है रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। यदि कोई भी प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेल्स के लिए तैयार हैं तो वो किस में आ जाएंगे, रेडी फॉर सेल्स में आ जाएंगे। तो इस टाइप से आपके इन्वेंट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है रॉ मटेरियल, सेकेंड हो जाता है ऑन वर्किंग प्रोडक्ट्स, और थर्ड हो जाता है आपका रेडी फॉर सेल्स। अब देख लेते हैं जब हम टैली में इसकी एंट्रीज करते हैं, किसी भी इन्वेंट्री की एंट्री जब हम टैली में करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट होता है स्टॉक ग्रुप, नेक्स्ट होता है आइटम्स, और नेक्स्ट होता है यूनिट्स ऑफ मेजर। अब यदि आपको इन तीनों पॉइंट्स की जानकारी है, ये क्या है कि बेसिक होते हैं किसी भी इन्वेंट्रीज को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, अब आप जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था फर्नीचर का, तो हम देख लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर का ही यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, अब फर्नीचर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपने सोफा सेट बनाया, आपने टेबल्स बनाई, मान के चलें टेबल यदि आपने बनाई है तो टेबल क्या हो जाएगा, इसका मेन ग्रुप हो जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का मेन ग्रुप हो जाएगा टेबल। अब इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर में अलग अलग आइटम्स आ सकते हैं। मान के चलिए आपने ड्रेसिंग टेबल बनाई है, मान के चलिए आपने डाइनिंग टेबल बनाई है, मान के चलिए आपने कंप्यूटर टेबल बनाई है,
तो ये जितने भी टेबल्स हैं ये क्या कहलाएंगे आपके आइटम्स कहलाएंगे। तो जो मेन है पार्ट है वो क्या है टेबल, टेबल क्या हो जाएगा आपका स्टॉक ग्रुप, और इस टेबल के अंदर जितने भी आइटम्स आएंगे उसको हम आइटम्स में फिट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको डिफाइन करना रहता है, उस प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना है ना हमको कि वो किस चीज में हम मेजर कर रहे हैं, उसको किस चीज में माप रहे हैं। मान के चलिए आप किसी चीज को पीस में मापते हैं, किसी को किलोग्राम में मापते हैं, मेजर करते हैं, किसी चीज को आप मीटर में मेजर करते हैं, किसी को आप लीटर में मेजर करते हैं। तो इस टाइप से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोडक्ट्स को मेजर करते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को मेजर करने की जो भी यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ मेजर कहलाती है। तो इस टाइप से यदि आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा तो आप टैली में इजी वे में इन्वेंट्री कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इन्वेंट्री को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं।